अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पेमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे सबसे पहले हरिद्वार की। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में एक युवा का अजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान यूपी के संभल निवासी गोपाल के रूप में हुई है और शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की है। जला शव पुलिस को प्राप्त हुआ था, जो प्रथम दृष्टया बिल्कुल हत्या का एक मामला हमें स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा था। और पुलिस के द्वारा जब इसमें अभी इसकी पहचान की कोशिश की गई है तो इसका नाम गोपाल पुत्र हरिशंकर संभल निवासी ये रहा है, इसका कुछ हमें पता लगा है। ऋषिकेश के श्यामपुर में अवैध रूप से शराब की बिक्री पर लोगों को गुस्सा फूट गया और लोगों ने एक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से बेची जा रही शराब की पेटियां पकड़ी है और मौके पर जमकर हंगामा किया। हालांकि रेस्टोरेंट संचालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही रायवाला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों ने यह भी आरोप लगाया। पुलिस को पहले से ही पता था कि कहां पर शराब बेची जा रही थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अवैध तरीके से शराब बिकने का मामला यहाँ पर लोगों के सामने था और बार बार इसकी शिकायतें आ रही थी और आज ग्रामीणों ने इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर ड्रग्स की भी बात आ रही थी, ड्रग्स भी बिकने लगी थी, तो ग्रामीणों ने यहाँ पर एक करा कि भाई आज इसके खिलाफ मोर्चा खोलने का आज रखा था। वीकेंड पर केचीधाम में श्रद्धालुओं का तांता उमड़ पड़ा है, जिससे कि कई घंटों तक जाम से पर्यटक परेशान रहे और कई किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी देखी गई। हालांकि पुलिस ने जाम से बचने के लिए भवाली से शटल सेवा लगाई है, जिससे कि पूरे बाईपास में गाड़ियों को खड़ा करना पड़ा था। इस दौरान पर्यटकों को भी मुसीबत उठानी पड़ी। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि शटल सेवा अच्छे तरीके से चली है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। आज कैंची धाम में जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसको देखते हुए सुबह 8 बजे से शटल सेवा शुरू की गई है और शटल सेवा में जो गाड़ियां रोकी हैं वो लगभग 200 से 250 कारें रोकी गई हैं, जिनको शटल के माध्यम से कैंची धाम के दर्शन कराए गए हैं। तो शटल सेवा बहुत सुचारू रूप से चलाई गई है और इसमें श्रद्धालुओं को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अगर नहरी झील में बिना लाइफ जैकेट के कोई बोटिंग करता नजर आएगा अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका ने सभी नाव चालकों को अब लाइफ जैकेट दे दी है और निर्देश दिए हैं कि कोई भी पर्यटक बिना लाइफ जैकेट के बोटिंग ना करे। 3 साल बाद नाव चालकों को प्रशासन ने लाइफ जैकेट दी है और इससे पहले 2 साल से नाव चालक परेशान थे और लगातार पालिका से लाइफ जैकेट की मांग कर रहे थे। इसके लिए नाव चालकों ने 60 लाख रुपये भी जमा किए थे। DM के निर्देश के बाद लाइफ जैकेट तो मिल गई, लेकिन नियमों का पालन भी कठोरता से करने के निर्देश दिए गए। मामला बड़े लंबे समय से चल रहा था कि बहुत साल से वो जैकेट्स नहीं मिली हैं, तो मिलने के बाद जो भी उनको नहीं पहनेंगे या किसी भी प्रकार से ऐसे उल्लंघन की शिकायतें आती है या किसी टूरिस्ट की जान को खतरे में डालने वाली कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर नियमानुसार एक्शन लिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर पहले दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वो सोमवार को केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं मीटिंग में शामिल होंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह मीटिंग में चीफ गेस्ट होंगे और कल दोपहर 3:30 बजे ये मीटिंग शुरू होगी। केदारनाथ चुनाव प्रचार का दूसरा फेज शुरू हो चुका है और इस फेज में बीजेपी और साथ ही कांग्रेस के स्टार प्रचारक मोर्चे पर नजर आएंगे। बीजेपी भी जहां बड़ी जनसभाओं की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का प्लान गांव-गांव में प्रचार करने का है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दीपावली के बाद चुनाव प्रचार का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। अब बारी स्टार प्रचारकों की है। बीजेपी 10 नवंबर से केदारनाथ में अपने स्टार प्रचारक उतारने जा रही है। इसके तहत 10 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 3 बड़ी जनसभाएं पार्टी ने प्रस्तावित की है। इस बीच 3 बड़े सम्मेलन कराने की भी तैयारी है, ताकि हर वर्ग के वोटर तक पार्टी अपनी बात पहुँचाई जा सके, जिनमें पूर्व सैनिक सम्मेलन, महिला मोर्चा सम्मेलन और अनुसूचित जाति सम्मेलन शामिल हैं।
दूसरे फेज में सांसद अनिल बलूनी और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भी यहां लगातार कैंप करते हुए नजर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की 3 बड़ी सभाएं हम अभी वहां प्रस्तावित हैं, उसकी घोषणा 1-2 दिन के दम कर लेंगे। इसके अलावा सैनिकों पूर्व सैनिकों का सम्मेलन, महिला सम्मेलन और अनुसूचित जाति का सम्मेलन, 2-3 बड़े सम्मेलन भी हमने करने का निश्चय किया है। मेरा भी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनेकों गांवों पर मेरा प्रत्यक्ष जाना होगा। उधर कांग्रेस ने भी 6 नवंबर से स्टार प्रचारक उतारने का प्लान तैयार किया है, लेकिन कांग्रेस का फोकस बड़ी जनसभाओं के बजाय नुक्कड़ सभाएं करने का है। इस फेज में कांग्रेस नेता पदयात्रा करते हुए भी नजर आएंगे। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का कहना है कि हम दिखावे के लिए नहीं, धरातल पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस इस चुनाव को दिखावे के लिए नहीं लड़ रही है, कांग्रेस इस चुनाव को जमीन पे लड़ेगी। हमने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि कोई कितना ही बड़ा नेता हो, लेकिन वो अपने पोलिंग बूथ पे अप होनी चाहिए पार्टी। दीपावली के जश्न के बाद एक बार फिर चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का केदारनाथ पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने बाहर से करीब 200 से अधिक नेताओं को केदारनाथ में जिम्मेदारी सौंपी है, तो कांग्रेस ने भी केदारनाथ में नेताओं की ड्यूटी फिक्स कर दी है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यमुनोत्री धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। दोपहर 12:05 पर पूरे विधि विधान के साथ में यमुनोत्री धाम के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद किए गए। इसके बाद शनिदेव की डोली की अगुवाई में मां यमुना की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव के लिए रवाना हो गई। मां यमुना की डोली देर शाम को खरसाली गांव में यमुना नदी यमुना मंदिर में विराजमान होगी, और जिसके बाद में शीतकाल में 6 महीने तक यमुना के दर्शन शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव में किए जाएंगे। उसका मुहूर्त 12:05 पर मां यमुना जी के कपाट यहां पर बंद कर दिए गए हैं, और इसके बाद 6 महीने तक मां यमुना जी की जो उत्सव मूर्ति है, उत्सव डोली है, वो खरसाली खुशीमठ जाएगी और वहां पर ही शीतकालीन प्रवास में मां यमुना जी के 6 महीनों के लिए दर्शन होंगे, और पुनः अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मां यमुना जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। तब तक आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं मां यमुना जी के इस पवित्र स्थान से, यमुनोत्री धाम से। जय श्री यमुने। और हम आज यमुना मैया के दर्शन करने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने एक गाना खोला है, उसका शूट करने आए हम, और हम इधर बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लोकेशन इधर का जो वो बहुत अच्छा है, और हम इधर पहली बार घूमने आए और हमें बहुत अच्छा लगा है। मैं हर साल चारों धाम की यात्रा करती हूँ, या कपाट खुलने में या कपाट बंद होने में। इस बार माँ यमुना ने मुझे कपाट बंद होने में अपने दर्शन देने के लिए यहाँ बुलाया है, और मैं आज सोमेश्वर महाराज जी जो यमुना माँ के भाई हैं उनके साथ नीचे डोली के साथ ऊपर आई हूँ, और माता को लेके हम आज खरसाली गांव जाएंगे। आज वहीं पे सारे दर्शन होंगे और हम लोग भी आज वहीं पे विश्राम करेंगे। मैं यमुनोत्री धाम में लगभग 24 साल से लगातार 4-5 चक्कर लगते हैं मेरे, और शीत ऋतु में फरवरी के महीने, मार्च के महीने में भी आता हूँ यहाँ पे, और मेरा यहाँ गुरुस्थान है श्री राम मुरसेदास जी महाराज जो है मेरे गुरुदेव, जिन्होंने आध्यात्म में काफी ज्ञान मुझे दिया और मेरा यहाँ जुड़ाव है इस यमुनोत्री धाम से, तो काफी समय समय अनुसार परिवर्तन देखता रहता हूँ। कपाट धाम के जब माँ यमुना की डोली यहाँ से खुशीमठ जाएगी, हम माँ यमुना के दर्शन करके यहाँ से निकले हैं, और पूरे यमुनोत्री विधानसभा प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए हमने माँ यमुना से आज भैया दूज के अवसर पर यहाँ से मन्नत मांगी है, और मैं आशा करता हूँ कि माँ यमुना का आशीर्वाद हमेशा हमारे इस क्षेत्र पे हम लोगों पर हमेशा बना रहेगा, और जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं उन सबका माँ यमुना का आशीर्वाद बना रहेगा। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज भाई दूज के पावन पर्व पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए। मंदिर के कपाट सुबह 8:17 पर शीतकाल के लिए बंद किए गए। धाम में 18,644 श्रद्धालु इस पावन पर्व के साक्षी बने, और कपाट बंद होने पर सेना की
बैंड धुनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। हर किसी की जुबा से हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दिए और तड़के 4 बजे से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सुबह से ही धाम में बाबा के भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। भगवान आशुतोष के ज्योतिर्लिंग को समाधि रूप दिया गया। इसके बाद विधि विधान से कपाट बंद किए गए। कपाट बंद होने के बाद सेना की बैंड धुनों के साथ में बाबा केदार की चल उत्सव विखे डोली ने अपने धाम में शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए रवाना हुई। बाबा केदार की डोली का आज रात्रि प्रवास रामपुर में होगा और सोमवार को डोली का रात्रि प्रवास गुप्तकाशी और मंगलवार को बाबा की डोली पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जहां पर सभी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा केदार के पंचमुखी उत्सव विग्रह डोली को 6 महीने की पूजा के लिए मंदिर में विराजमान किया जाएगा। और आज का पहला पड़ाव रामपुर और दूसरा पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी और तीसरे पड़ाव अपना शीतकालीन मंदिर ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में विराजमान होगी। चल विग्रह डोली में जो भगवान श्री केदारनाथ जी की पंचमुखी मूर्ति है वो सिर्फ ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के गर्भगृह में विराजमान होगी और शीतकाल में जो दर्शनार्थी और तीर्थयात्री आएंगे उनको दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में मिलेंगे और दर्शन का लाभ मिलेगा। इस बार केदारनाथ धाम में लगभग 16 लाख से अधिक श्रद्धालु आए हैं और लगभग 12 लाख से अधिक श्रद्धालु हमारे बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं दोनों धामों की, बद्री और केदार में 28 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं और श्री बद्रीनाथ के कपाट जो हैं 17 नवम्बर को रात्रि 9:07 पर बंद होंगे और उसकी भी विधि विधान पूजा के तहत हमारे श्री बद्रीनाथ के कपाट किए जाएंगे। वहीं आज सुबह केदारनाथ धाम में हल्की बर्फबारी हुई। सुबह 5 बजे धाम में बर्फ गिरी, जिसके बाद केदारनाथ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए, लेकिन मास्टर प्लान के तहत काम करने वाले सभी लोग धाम में मौजूद हैं। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए, लेकिन धाम में पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी और साल 2025 की यात्रा में क्या कुछ नया मिलेगा, यात्रियों को एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रदेश की चारधाम यात्रा में सबसे कठिन यात्रा बाबा केदारनाथ धाम की होती है, क्योंकि यहां संसाधनों की आज भी कमी देखने को मिलती है। बाबा केदारनाथ धाम में हर साल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सरकार अतिरिक्त व्यवस्थाओं को करने जा रही है, जो कि अगले साल की यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा। अगले साल की यात्रा में क्या खास होगा आपको बताते हैं। 12,000 यात्रियों के ठहरने की संख्या बढ़कर 20,000 हो जाएगी। तीर्थ पुरोहितों को 48 घर मिलेंगे। अपने यजमानों को आप तीर्थ में ठहरा सकेंगे। अभी हेली सेवा को 9 ऑपरेटर संचालित करते हैं और अगले साल से 12 ऑपरेटर संचालित कर सकेंगे। एक रास्ते से आएंगे और दूसरे से धाम से जाने का रास्ता होगा। अगले साल पुराना रास्ता खोलने की भी तैयारी की जा रही है। अगले साल से 24 घंटे यात्रा चलाने की भी तैयारी है। यात्रा मार्ग पर 24 घंटे बिजली देने की तैयारी है। साथ ही केदारनाथ धाम में नया अस्पताल भी अगले साल से मिल जाएगा, जिसमें हर प्रकार की व्यवस्था भी मिलेगी। इसके साथ ही रोपवे की भी आधारशिला रखी जाएगी। केदारनाथ धाम में यात्रियों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था देने के लिए सरकार पूरे साल धाम में काम करवा रही है, जिससे आगामी यात्रा सरल और सुगम हो। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। वहीं भैया दूज के पावन पर्व पर मां गंगा की उत्सव डोली सैकड़ों श्रद्धालु की मौजूदगी में मुखबा पहुंची, जहां ग्रामीणों ने मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में भव्य स्वागत किया। मां गंगा की मूर्ति को गंगा मंदिर में विधि विधान से रखा गया और अब अगले 6 महीने में मुखबा में ही मां गंगा की पूजा अर्चना की जाएगी। मुखबा में जहाँ पर गंगा मैया के शीतकालीन प्रवास है और आज यहीं से जो है गंगा मैया का दर्शन सभी श्रद्धालुओं के लिए 6 महीने के लिए यहाँ पर दर्शन होंगे। यहाँ पर भी गंगा मैया की डोली के दर्शन और अखंड ज्योति का दर्शन होता है। आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि जो लोग सर्दियों में माँ गंगा के स्थान पर मुखी मठ में आना चाहते हैं।
दीपावली के बाद में पर्यटन में भी बूम आया है। नैनीताल समेत पहाड़ी सैलानियों से गुलजार है तो वहीं कारोबार में भी रफ्तार पकड़ी है। वहीं टूरिस्ट यहां की फिजाओं को देखकर मस्ती कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की बहार आई है। यहां ऐसी रौनक छाई है कि पर्यटक स्थल गुलजार हैं। अचानक नैनीताल समेत पहाड़ों में पर्यटकों की भीड़ से होटल रेस्टोरेंट पैक हो गए हैं, तो वीकेंड पर पहुंचे पर्यटकों से कारोबार ने भी रफ्तार पकड़ी है। बहुत अच्छा लगा, बोटिंग तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वेदर भी यार ठीक ही है। इस बार तो ज्यादा ठंड नहीं है अभी तक। नैनीताल के रोड थोड़ा जाम हो जाता है, ये कल आने के टाइम बहुत टाइम लग गया। अदरवाइज यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है और काफी अच्छा लग रहा है हमें। क्या कहेंगे नैनीताल आने वाले पर्यटक? सबको यहाँ आना चाहिए। बहुत बहुत साफ मौसम है, खुला है और बहुत अच्छा है, इसीलिए हम लोग आए तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। कितना एंजॉय किया परिवार के साथ? बहुत बहुत ज्यादा। बोटिंग में भी मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय करा है। सारी चीजें अच्छी है, खाना भी यहाँ का अच्छा है, तो अच्छा लगा यहाँ आकर। वेदर भी बहुत अच्छा है। हिल स्टेशनों पर पर्यटक पहाड़ की वादियों के दीदार और हिमालय के साथ नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। दीपावली के साथ लंबी छुट्टी है तो देश भर के पर्यटकों ने नैनीताल का रुख किया है। ऑफ सीजन में मिली इस चहल पहल से अच्छा रोजगार पर्यटन कारोबारियों को मिला है। हालांकि पार्किंग और जाम परेशानी जरूर बन रहा है। जैसे हमारा पूरा मानसून में सीजन में काम होता है, वही काम अभी चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि 8-10 दिन और ये काम खींचेगा और बोट वालों की जो है रोजी रोटी का अच्छा सोर्स मिलेगा। तो आगे आने वाले समय में हम सोच रहे हैं कि 10-1 दिन तो गुजराती कस्टमर चलता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। बहरहाल दीपावली के बाद हिल स्टेशनों पर कारोबार बेहतर हुआ है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। दिवाली के बाद महानगरों में हुए पॉल्यूशन के बाद से कॉर्बेट में एक बार फिर से टूरिज्म में बूम आया, जिसे लोगों ने पॉल्यूशन टूरिज्म का नाम दिया। दिवाली के बाद से मेट्रो सिटीज में प्रदूषण आसमान छू रहा है, ऐसे में लोगों को सांस लेने में भी परेशानी महसूस हो रही है, जिसको देखते हुए सैलानियों ने कॉर्बेट का रुख किया है, जिन्हें यहाँ की शुद्ध हवा खूब रासा रही है। यहाँ पे तो हम दिल्ली के पॉल्यूशन से एस्केप करने आए हैं दिवाली के वक्त, और कंपैरेटिवली तो ऑफ कोर्स जिम कॉर्बेट में काफ़ी कम है, स्पेशली हम जहाँ पर अभी रह रहे हैं वहाँ का काफ़ी सीरीन एनवायरनमेंट है, तो काफ़ी कम लगा क्योंकि दिल्ली तो अभी एकदम इज चोक्ड विद पॉल्यूशन। मगर कल शाम को व्हेन वी वेंट आउट तो तब भी पटाखे और उन सब की वजह से नॉइस पॉल्यूशन थोड़ा तो था, ऑफ कोर्स अब वो तो इंडिया है, वी कांट एस्केप दैट, मगर कंपैरेटिवली आई वुड से कि यहाँ पे इट्स मच बेटर। अभी इधर बहुत बेटर है और इधर का ये नेचुरल लग रहा है और इधर पॉल्यूशन भी जीरो है, इधर पूरा नेचुरल ही है, ऑक्सीजन वॉक्सीजन पूरा लेवल कंप्लीट चल रहा है, इधर बेटर लग रहा है मतलब इधर। सैलानियों के यहाँ आने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि कॉर्बेट अभी पूरी तरह से खुला भी नहीं है और कॉर्बेट खुलने से पहले ही पर्यटकों ने टूरिज्म को नई उड़ान दी है। बुकिंग हम कॉर्बेट में देखने जा रहे हैं, जिसमें शादियां भी हैं और काफी तरह के वैसे लोग भी हैं जो पोल्यूशन की वजह से यहां पर आकर रह रहे हैं, शादियां करने के लिए भी कॉर्बेट में आ रहे हैं। बाघों के लिए मशहूर कॉर्बेट अपने साफ पर्यावरण के लिए भी जाना जाता है, ऐसे में शुद्ध हवा की तलाश में भी लोग यहां का रुख कर रहे हैं। रामनगर से न्यूज 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और नगरीय निकाय चुनावों की आहट से पहले हरिद्वार में चुनाव लड़ने के दावेदार तैयारी में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दलों के नेता त्योहारी सीजन में तरह तरह के आयोजन कर पब्लिक से संवाद तो कर रहे हैं, साथ ही विरोधियों को भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होने हैं, संभावना जताई जा रही है कि नवंबर के महीने के आखिर तक चुनावी आचार संहिता भी लग सकती है। ऐसे में हरिद्वार में मेयर, पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव लड़ने के दावेदारों ने त्योहारी सीजन का जमकर फायदा उठाया। जो कांग्रेस से दूर जा
आ रहे हैं उनको हमें जोड़ने का एक प्रयास है और हम भविष्य में हरिद्वार में कांग्रेस को इतनी मजबूत करेंगे कि सामने इसके कोई भी टिक न पाए। राजनीतिक दलों की ओर से दीपावली मिलन समारोह और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर भीड़ जुटाई गई, जिसमें टिकट के दावेदारों ने पार्टी नेताओं के सामने खुद को पेश किया, वहीं पब्लिक से भी संवाद किया। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं जिसमें ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं, इसमें लोगों को मैसेज और लोगों को बधाई देने का एक बड़ा माध्यम होता है और दूसरा विरोधी दलों को अपना शक्ति प्रदर्शन भी इसके द्वारा किया जाता है। जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है सब पब्लिक के बीच में रहना चाहिए, पब्लिक से जुड़े रहना चाहिए और ये भी एक कार्यक्रम एक अच्छे माध्यम होते हैं। और आप देखिए चुनाव आएंगे तो उसमें हमारे पार्षदों के प्रत्याशी भी बहुत हैं और मेयर प्रत्याशी भी हैं, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। चुनावी राजनीति करने वाले नेता किसी भी मौके पर खुद को जनता का हितैषी जताने का कोई मौका नहीं छोड़ते, वहीं अब देखना होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार उत्तराखंड के सभी ट्रैकिंग रूट को विकसित करने की योजना बना रही है, जिसके तहत पुराने ट्रैक को विकसित करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में पर्यटन को पंख लगाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है, इसीलिए पुराने बंद पड़े ट्रैकिंग रूट को फिर से चालू करने का प्लान है। दरअसल ब्रिटिश हुकूमत में साल 1902 में वायस राय लॉर्ड कर्जन उत्तराखंड आए थे। तब वो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के इतने मुरीद हुए कि उन्होंने अल्मोड़ा से ग्वालदम, वाण, सुतोल, कनोल के साथ रामड़ी, झीझी, पाणा और कुंवारी पास तपोवन तक करीब 200 किलोमीटर का पैदल ट्रैक का निर्माण करवाया था, लेकिन उसके बाद ये रूट बंद हो गया। मगर अब केंद्र और राज्य सरकार ट्रैकिंग रूट को सड़क से जोड़ने जा रही है और पूरी तरीके से इस तरह के और भी जितने ट्रैक हैं और भी जितने महत्वपूर्ण पहलू हैं उन सबको हम और अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहते हैं। मैं एक और बात जरूर कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में नंदा राजजात यात्रा की भी शुरुआत होगी, उसकी तैयारी की भी हमने शुरुआत की है। बहुत ही जल्दी आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हम लोग पूरे प्रशासन के साथ यात्रा की तैयारी के लिए भी बैठने वाले हैं, जितने प्रमुख हमारे ट्रैक हैं उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। लॉर्ड कर्जन ट्रैक के विकसित होने से जहां एक तरफ पर्यटन की संभावनाएं और बढ़ेंगी तो वहीं भविष्य में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क और विकसित होगी। इसके साथ ही चारों धाम की यात्रा में भी इसका फायदा मिलेगा, इसीलिए इस सड़क निर्माण का काम बीआरओ जल्द शुरू करने जा रहा है। ये सड़क बीआरओ को मिला है काम और करीब 20 किलोमीटर का काम बीआरओ उसमें करेगी, जो लॉर्ड कर्जन ट्रैक नाम से भी जाना जाता था। तो एक तो ये वैकल्पिक रूट हमें उपलब्ध हो जाएगा बद्रीनाथ जी को जाने का, तो मैं समझता हूँ इससे पर्यटन को फायदा मिलेगा और पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। चमोली जिले में कई ऐसे गांव हैं जो दुर्गम इलाकों में हैं और जहां ट्रैकिंग की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने से स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा और जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं वो भी वहां तक पहुंच पाएंगे। जो लॉर्ड कर्जन ट्रैक है ये काफ़ी हमारे यहाँ पे काफ़ी फेमस ट्रैक है, जिससे हमारा कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों एक साथ ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें हमारा ग्वालदम हो गया, अपना इधर थराली वाली बेल्ट हो गई, नंदप्रयाग हो गया, घाट हो गया, सितोल, रामणी, जितने भी हमारे ये वाइब्रेंट विलेज है ये सारा कवर। चमोली की ऊँची चोटियों को देखने के लिए साल भर देशी विदेशी पर्यटक उत्तराखंड आते हैं और दुर्गम ट्रैकिंग रूट विकसित होने पर पर्यटन तो बढ़ेगा ही, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। न्यूज 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18।